लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। देवरिया जिले के भटनी से भाटपार मार्ग में मिले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मांग को लेकर जनता से बातचीत करते R9 भारत के रिपोर्टर रमन तिवारी को राहगीरों ने बताया कि इस मार्ग से यूपी और बिहार के राज्य आपस में जुड़े हुए हैं। इस रास्ते से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, परंतु शासन द्वारा इस 30 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले जराजर पड़े मार्ग में न ही कोई सुधार है और न ही एक भी प्राथमिक केंद्र स्थापित है कि जिससे किसी भी दुर्घटना के समय प्राथमिक उपचार मिल सके। देवरिया से रमन तिवारी की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार प्रणाम, मैं R9 भारत समाचार न्यूज से रमन तिवारी, जो कि यह घाट पर भटनी जाने वाली रोड जो कि आज सौरेजी में मौजूद हूँ। काफ़ी जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। यह रोड माननीय सुरेंद्र चौरसिया रामपुर के विधायक द्वारा पास किया गया है, जो कि मैं जनता से रूबरू कराता हूँ। पास किए हैं तो कुछ काम लगने वाला है, सब जनता को क्या परेशानी होगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ, अभी तक ये बना नहीं है रोड, काफ़ी जल जमाव है और लोग राजगीर जो आ रहे हैं काफ़ी अपने इधर आ जाओ। जी चाहिए आपका नाम जी? विजय कुमार पटेल जी। ये बताइए कि जो ये रोड नकहनी से घाट पर जाने वाली ये रोड है, काफ़ी दिक्कत अभी जनता को उठानी पड़ रही है, इसके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या तो पानी जम जा रहा है सर, रोड नीचा है, क्या रोड लगाना है, इसके एक्सीडेंट भी दो चार हो चुका है। हाँ, हो चुका है। ये रामपुर खुरुड़िया के विधायक सुरेंद्र चौरसिया द्वारा ये रोड को पास किया गया है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बात करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं क्या करा दें अच्छी तरह से जी। आपके गाँव में कम से कम विकास की क्या वो है मुद्दा है, जो कि आपके गाँव के प्रधान कोई को गुप्ता जी हैं? अभी तो जानकारी नहीं है। रामाशंकर यादव, रामाशंकर यादव जी पर गांव का पड़ता है टोला ये। अच्छा अच्छा, इसके बारे में और चैनल से मेरे क्या मांग करना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमारे विधायक जी आए कभी हमारे क्षेत्र में और यहाँ की जो समस्या है, नाली की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि गाँव में पानी निकलने की कोई जगह नहीं है, नाली बनवाने के प्रयास करें जी। आइए एक मैं युवा साथी से मैं बात करना चाहूँगा कि रामपुर खुरुया के विधायक सुरेंद्र चौरसिया द्वारा एक भाट नकहनी से भाट पार रोड पास कराया गया है, इस पे काफ़ी जनता की परेशानी उठानी पड़ती थी। इसके पहले कोई विधायक था उस पे ध्यान नहीं देता था, ये जनता का कहना। आइए मैं युवा साथी से बात करना चाहूँगा जी। भाई आपका नाम? विकास कुमार पटेल जी। विकास कुमार पटेल जी, इसके पहले बहुत से विधायक हुए, इस रोड पर ध्यान नहीं दिए? दो साल पहले से टूटा है। आप ही इसके पहले कोई विधायक था तो उस पर ध्यान नहीं दिया? जी, इसके पहले कोई ध्यान नहीं दिया। 5 साल के पहले बना था रोड, पहनने के बाद फिर रिपेयर हुआ था रोड, रिपेयर होने के बाद थोड़ा थोड़ा टूट टूटती है 2 साल पहले से, और इतना गड्ढा हो गया, पहले तो ठीक ही था जी। रामपुर खुरिया के विधायक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता को? हम यही रामपुर विधायक को यही करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको पास करवाए हैं तो जल्दी जल्दी बनवाए इसको, यहाँ से राजगीर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, राजगीर को एक्सीडेंट भी हो रहा है यहाँ पर जी। धन्यवाद। आइए मैं बात कराना चाहूँगा एक हमारे मैं जो भाट पार नकहनी से रोड है काफ़ी एक फुलवरिया गांव में, इस पर क्या दिक्कत है जनता को? जनता बहुत परेशानी हो रही है, रास्ता टूटा हुआ, हमेशा पानी लगा रहता है, आने जाने बहुत सामना करना पड़ता है जी। आपके विधायक क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने इस रोड को PM कार्यालय से पास भी करा दिया है, इस पर जल्द से जल्द काम लगने वाला है, इसको क्या संदेश देना चाहिए? पास हो चुका है, सुबह का मौत का काम लगने वाला है, ये सूचना मिली थी जी। धन्यवाद।